हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज इट। मगन यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स को मेरा अभिनंदन। फाइनली दोस्तों, आप सभी का जो मेहनत है वो रंग लाया है। जो भी ट्विटर कैंपेन आपने चलाए, जो भी शिक्षा मंत्री से आपने ज्ञापन दिए, चाहे मुख्यमंत्री को आपने जो ज्ञापन दिया, तो फाइनली आपकी सारी मेहनत रंग लाई है। और ये आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, ये मगन यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से लिया हुआ सीधा नोटिस है। इस नोटिस में आप विषय देख सकते हैं, स्नातक तृतीय खंड परीक्षा सत्र 2018 से 21 यानी पार्ट 3, और स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा सत्र 2019 से 22 यानी पार्ट 2 का परीक्षा प्रपत्र एवं शुल्क जमा करने के संबंध में है। मैं ये नोटिस आपको शॉर्ट में पढ़कर बता दे रहा हूँ। इस नोटिस में यह है कि जो पार्ट 2 और पार्ट 3 की परीक्षा जो रोकी हुई थी अभी तक, उसका फॉर्म भराना चालू हो गया है। और ये फॉर्म आज से ही, आज 20/1/2023 से 28/1/2023 तक आप अपने महाविद्यालयों में भर सकते हैं बिना विलंब शुल्क के। उसके बाद आप विश्वविद्यालय मुख्यालय में आपको जाना होगा 31 तारीख तक। विलंब शुल्क के साथ 30 तारीख से 6 फरवरी तक ये फॉर्म आप महाविद्यालय में भी भर सकते हैं। यानी महाविद्यालय में टोटल ये फॉर्म 20 तारीख से 28 तारीख तक भराएगा बिना विलंब शुल्क के। विलंब शुल्क के साथ 30 तारीख से 6 तारीख तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म भरने के लिए आपको विश्वविद्यालय मुख्यालय जाना होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये कंफर्म न्यूज भी निकल कर आ रही है कि 25 तारीख को, जी हाँ, आज से 4 दिन बाद 25 तारीख को जो भी रिजल्ट्स आपके पेंडिंग है, वो रिजल्ट्स मगर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपडेट कर दिए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है, जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो अपडेट कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर एक और पॉइंट है, जो भी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स हैं, उनको बाकी अदर पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें आपको पास होना जरूरी है, तो उसका रिजल्ट भी 25 तारीख तक आपको दे दिया जाएगा। तो दो बड़ी न्यूज, आपका एग्जाम फॉर्म प्रोसेस शुरू हो चुका है और आपकी रिजल्ट्स 25 तारीख तक आने वाली है। रिजल्ट आज या कल में ही अपलोड हो जाना था, लेकिन साइट में थोड़ा इशू होने के कारण ऐसा बोला गया है, ये एग्जाम का जो भी रिजल्ट है वो 25 तारीख तक सबके हाथों में होगा, ठीक है। तो दो बड़े न्यूज निकल कर आई है मगध यूनिवर्सिटी से। मेरे पास एक और स्क्रीनशॉट है गया कॉलेज का, इसमें पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया गया है फॉर्म कैसे भरना है। तो इसी का एग्जाम्पल लेके मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज के जेरोक्स काउंटर से एग्जाम फॉर्म लेना है। फॉर्म लेने के बाद www.gayacollege.online, ये केवल गया कॉलेज का है, आपके कॉलेज का अदर वेबसाइट होगा, उस पर जाके अपना स्टूडेंट आईडी डालकर परीक्षा शुल्क जमा करना है। उसके बाद जो आपको रसीद प्राप्त होगा, उसको एग्जाम फॉर्म के साथ अपने एडमिट कार्ड का जो फोटो है उसके साथ सत्यापित करके विभाग में जमा कर देंगे। तो ये प्रोसेस है। जनरली ये प्रोसेस सबको आपको पता ही होगा क्या प्रोसेस होता है फॉर्म भरने का। तो आप देर नहीं कीजिए, ये फॉर्म फी भी मैंने लगा दिया है, ये है आपका अदर जितने भी कोर्स हैं उसके सारे फॉर्म फी। आप अपने यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज पहुंचिए, जो भी आपके नजदीक है, फॉर्म भरिए और 25 तारीख को आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए सभी मगध यूनिवर्सिटी के छात्र जिन्होंने भी कैंपेन किए वो सब बधाई के पात्र हैं। अगर आप चाहते हैं कि 25 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कैसे डाउनलोड करना है, इस पर एक वीडियो बनाओ, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं उस दिन भी आपके सामने लाइव आऊंगा जैसे ही रिजल्ट आता है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना रिजल्ट जनरेट करना है। थैंक यू एंड गुड लक।